विनोद चौधरी, आज एक्सरसाइज अपन 11.3 के एग्जाम्पल शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.3 के एग्जाम्पल। आगे एग्जाम्पल नंबर छः है, जो 6 नंबर में पूछ सकता है। अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी है वो तो ट्रेपेज़ियम है, समलंब चतुर्भुज है, और जिसमें ए बी और डी सी वो पैरेलल है, और ए ई डी ये त्रिभुज, और दूसरा बी ई सी ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज तो समरूप दिए हुए हैं, सिमिलर दिए हुए हैं, और आपको सिद्ध करना है कि जो ए डी के बराबर है बी सी, यानी इनकी जो है समांतर भुजाएं हैं वो आपको बराबर सिद्ध करनी है। तो इसमें सबसे पहले तो अपन वो यूज करते हैं जो कि आपको दो त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं, तो उन त्रिभुजों को अपन लिखते हैं। तो उत्पत्ति के अंदर दिया हुआ लिख दिया, सिद्ध करना अब उत्पत्ति प्रूफ के अंदर दो त्रिभुज कौन कौन से दिए हुए थे, ए ई डी ये त्रिभुज, त्रिभुज ए ई डी व त्रिभुज बी ई सी, ये दोनों त्रिभुज क्या दिए हुए हैं, समरूप दिए हुए हैं। तो ये है दिया हुआ, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं अनुपात में होगी, तो बाई सी पी अष्टी, सर्वांशम त्रिभुजों में तो सी पी सी टी लिख दो, और इसमें सी पी अष्टी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इनकी जो भुजाएं अनुपात में होगी तो ए ई के बटा में, ए ई के बटा में कौन आएगा, बी ई बराबर ई डी के बटा में, ई डी के बटा में आएगा ई सी, और पहला तीसरा ए डी के बटा में आएगा बी सी। ये समीकरण नंबर बना दी एक, तो इनकी भुजाओं को अनुपात में लिख दिया। अब वो त्रिभुज लेते हैं जो कि अपन सर्वांग समरूप कर सकते हैं। तो ये जो दो त्रिभुज है आमने सामने वाले, ये दोनों त्रिभुज समरूप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये दोनों भुजाएं आपको समांतर दी गई है, तो जिससे यहाँ एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल बनेंगे। तो त्रिभुज इस पहले का नाम जैसे आपने ले लिया ए ई बी नाम लिख दिया, तो त्रिभुज ए ई बी व त्रिभुज, देखो ए के बराबर ये एकांतर कोण कौन सा बनेगा, तीन बनेगा, तो ए एक नंबर पे लिया, इधर से एक नंबर पे कौन आएगा, सी आएगा, सी ई जो है वो शीर्षाभिमुख कोण बनाएगा वर्टिकल अपोजिट, तो ई बिंदु है वो मिडल में आएगा, और तीसरा पॉइंट बच गया सी ई डी में। तो इन दोनों त्रिभुजों में जो कोण ए ई बी का, ए ई बी जो ऊपर वाला कोण लिया है उसका, तो कोण नंबर हो गया दो, कोण नंबर दो है, दो किसके बराबर है, एक के बराबर है, ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है एकांतर कोण, और कोण जो ए ई बी का ऊपर वाले का जो कोण चार है वो किसके बराबर है, कोण तीन के, ये भी अल्टरनेट एंगल है, तो दो कोणों से समरूप कर दो, अदरवाइज तीसरा लिखना चाहो तो ई वाला लिख दो, तो अपन दो से ही कर देते हैं, त्रिभुज ए ई बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ई डी के, कौन से रूल से, ए ए रूल से, तो ये ए ए सिमिलरिटी से ये हो गया है समरूप। अब इनकी भुजाएं भी अनुपात में होगी, बाई सी पी अष्टी से ए ई के बटा में, ए ई के बटा में कौन आएगा, सी ई आएगा, ई बी के बटा में, ई बी के बटा में कौन आएगा, ई डी आएगा, और पहला तीसरा ए बी के बटा में आएगा सी डी, पहला तीसरा इधर सी डी है। अब यहाँ पे जो समीकरण नंबर अपने पास एक थी, और ये जैसे अपने इसको दो नंबर समीकरण बना देते हैं, तो ये जो भुजाओं का अनुपात आया, तो इसमें देखिए ए ई और बी ई आ रहा है, इधर भी, इधर अपने पास ए ई बी और बी ई बी ये दोनों है, और उसके बाद यहाँ पे ई सी और ई डी आ रहा है अपना, तो ई सी और ई डी यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये जो दोनों है इन दोनों को अपने, और इधर ये, तो इन चारों के अंदर दोनों में सेम पार्ट है ए बी बी ई ई सी और ई डी, लेकिन इनके जो रेशियो है वो अभी सही नहीं लिखे गए हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण नंबर जैसे अपने पास दो है और समीकरण नंबर एक है, तो इसमें तो ए के बटा में सी ई, और इसमें ए के बटा में बी है, तो आप इनके रेशियो को दोनों को एक जैसा लिखने के लिए अपन समीकरण नंबर जो दो है इससे अपन ये लिख लेते हैं कि ए ई के बटा में ये जो सी ई है और ई बी के बटा में ई डी है, तो इसको अपने समीकरण नंबर एक के अनुसार लिख लेते हैं। तो समीकरण नंबर एक के अंदर ए ई के बटा में बी ई है, तो ये इधर से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये ए बी यहाँ सी की जगह जाता है, सी है वो ई बी की जगह जाता है, तो अगर आप क्रॉस गुणा करो तो ए ई का गुणा तो हो जाएगा ई डी से, और सी ई का गुणा हो जाएगा बी ई से। अब अपने को क्या रेशियो चाहिए कि ए ई के बटा में, ए ई के बटा में क्या चाहिए इसके अकॉर्डिंग, बी ई चाहिए, तो ए ई के बटा में बी ई, तो इधर हो जाएगा ये ई सी, ई सी के बटा में कौन है, इधर ई डी आ जाएगा, तो ये अपने समीकरण नंबर बना दी है तीन।
अब समीकरण नंबर एक में और तीन में ये जो दोनों पार्ट है ए बटा बी और इधर भी ए बटा बी, ये दोनों इक्वल है तो ईडी बटा ईसी किसके बराबर होगा, ईसी बटा ईडी के। तो समीकरण नंबर एक और तीन से, समीकरण एक व तीन से ए ई बटा में जो बी ई है वो बराबर है ईसी बटा ईडी के और इधर बराबर है ईडी बटा ईसी के। तो समीकरण एक व तीन से क्या रिजल्ट मिलेगा अपने को कि ईसी बटा में ईडी किसके बराबर होगा, ईडी बटा में ईसी के। ये दोनों बराबर है तो ईडी बटा ईसी किसके बराबर होगा, ईसी बटा ईडी के। अब इनका जो वजन गुणा करेंगे तो ईसी का ईसी से गुणा होगा तो ईसी का स्क्वायर, ईडी का ईडी से होगा तो ये ईडी का स्क्वायर। अब दोनों साइड वर्गमूल करते हो तो ईसी बराबर आ जाएगा ईडी के, ईसी बराबर ईडी आ गया है, ये समीकरण नंबर हो गई है चार। तो ईडी के बराबर बीसी करना है तो समीकरण नंबर जो एक है तो उसमें ये जो आपके पास रेशियो इक्वल है तो उसमें से देखो ईसी और ईडी बराबर आया तो ईसी और ईडी ये दोनों बराबर आए तो आप जो समीकरण नंबर एक का जो रिजल्ट है तो उसकी लास्ट वाले दोनों आप बराबर ले सकते हो। तो समीकरण नंबर अपन एक से अगेन यूज करेंगे यहाँ पे कि ईडी बटा ईसी बराबर होगा एडी बटा में बीसी के, क्योंकि इसके ये तीनों बराबर है तो अपन ने इसमें से दूसरा और तीसरा वाला ये लिया है। अब यहाँ देखो आप समीकरण नंबर चार का यूज करते हुए ईसी और ईडी को आप बराबर करते हो तो ये दोनों कट जाएंगे। तो समीकरण नंबर आप यहाँ पे चार से लिखोगे तो ईडी और ईसी दोनों बराबर है, तो जैसे मैं ईडी को ईसी लिख दिया ये इधर ईसी है बराबर है एडी बटा में बीसी। अब ईसी से ईसी कट गया तो आपके पास जो रिजल्ट मिला है वो एक बटा एक है, इधर कौन है एडी बटा में बीसी है, तो वजन गुणा करते हो तो एडी बराबर आ जाएगा बीसी। यही आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, आप चाहो तो एक बटा एक न लिख के सीधा एक लिख दो बराबर में तो फिर बीसी को इधर एक से गुणा कर सकते हो तो ये एडी के बराबर आ गए बीसी।